राम मंदिर का दर्शन करने के लिए फोटो खिंचवाने में आना, उस राम के चरणों में माथा टेक के आना, जिस राम ने अपने चरित्र से मानव को मानव बनने का ज्ञान प्रदान किया, वाणी से नहीं चरित्र से। आज का दिन साधारण दिन नहीं है मेरे भाई बहन। ये जो सूर्य उदय हुआ है आज 22 जनवरी का, ये आने वाली संस्कृति को, आने वाले समय में सनातनियों को एक नया दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान करने वाला सूर्य है, दिव्य और भव्य। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस दिन के साक्षी बने हैं। एक बात बताएं, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है। बहुत लोगों के परिवार है, बहुत लोगों के पास में पद की बल है, और बहुत कम लोगों को अवसर मिला है यहाँ आज के दिन साक्षी बने रहने का। योगी जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मोदी जी ने और एक अच्छी बात कह दी, हमारे मतलब की तो जी हटी। उन्होंने कहा अयोध्या तो हो गया, अब आगे क्या? उन्होंने कहा अयोध्या तो हो गया, आगे क्या? मैंने मोदी जी तो नहीं, सुन लेना, अयोध्या के बाद आपके बाद मां आएगा। अयोध्या हो गया, मथुरा भी प्रतीक्षारत है, मथुरा हो गया। कालखंड के अनुसार सनातनियों का दमन किया गया था 1670 में, 1650 में, 1620 में। ऐसा दमन जो शब्दों से बोला नहीं जा सकता। ऐसा कोई दमन करता है जिसे कोई लोग पूछते उन्हें सीढ़ियों में दबा दे? ऐसा दमन होगा? लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अब बारी है मेरे प्यारे, मेरे कन्हैया की बारी है, काशी की बारी है। कौन कौन चाहता है जल्दी से कदम आगे बढ़े? मोदी जी ने कहा कि अयोध्या के बाद क्या? अयोध्या के बाद मथुरा, काशी, क्योंकि तीन जगह जब स्वतंत्र होंगी पूर्णतः सनातनियों को सांस्कृतिक आजादी प्राप्त हो जाएगी। ये मोदी जी की ने जो आज बोला, अयोध्या तो हो गया, आगे क्या? आगे राम के पद चिन्हों पर चलने का संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। इस मंदिर में आकर राम जी का दर्शन करके अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना। अभी हमारे घरों से संस्कृति संस्कार गायब हो गए, पाश्चात्य कल्चर रूपी दैत्य राक्षस काल हमारे ऊपर पूर्ण हावी है। ऐसा हावी है वो दैत्य जो पाश्चात्य संस्कार रूपी दैत्य है कि हमारे बच्चों को, हमको, हमारी आने वाली पीढ़ी को निगल जाना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन उसे बचाने का काम इस पीढ़ी को करना होगा, मुझे करना होगा, आपको करना होगा। जब मैं और आप अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कमर कस लेंगे, राम मंदिर का निर्माण होना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक शुभ संकेत होगा।